कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जो लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर तैनात सैनिकों के दिल से पूछिए, उनके लिए दुश्मन की गोली से ज्यादा बेरहम मौसम होता है। यहाँ दिन में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे और रात में -70 डिग्री तक चला जाता है। बर्फीली हवाओं का थपेड़ा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ऑक्सीजन बहुत ही कम रहती है और हर बार सांस लेना जीने के लिए जंग लड़ने जैसा है। ऐसे भयानक मौसम में भारतीय जवान रात दिन सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत पर तैनात रहते हैं। इसी ऑपरेशन मेघदूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे गुजराती जवान मलम कचरा भाई। 21 अगस्त 2009 को बुरे मौसम और अत्यधिक हिम वर्षा के कारण उन्हें ब्रेन इंजरी हो गई। तुरंत उन्हें लेह के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वहां से चंडी मंदिर अस्पताल ले जाया गया। वहां ब्रेन सर्जरी भी की गई, परंतु उन्हें बचाया न जा सका। अत्यधिक ब्रेन हेमरेज के कारण वे सदा के लिए चिर निद्रा में चले गए। परमवीर शहीद साय ट्रस्ट और लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सिपाही मलम कचरा भाई को उनकी शहादत के लिए शत शत नमन करते हैं।